तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम स्टाइल टैग को यूज़ करके अपने फ़ॉन्ट को स्टाइल दे सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने HTML कोड के अंदर फोटोज़ को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इमेजेस को ऐड करने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो होता है IMG टैग। IMG के बाद आपको टाइप करना है SRC, जो कि स्टैंड करता है सोर्स के लिए। उसके बाद ड्यूल कोट लगाने के बाद यहाँ पर आपको इमेज का लिंक ऐड करना है। तो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज है, इसका मैं लिंक ऐड कर लेता हूँ। तो इस इमेज का लिंक बनाने के लिए इसको ऐसे ड्रैग करके अपने ब्राउज़र में छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे इसका जो लिंक है वो आ जाएगा, इसकी जो लोकेशन है वो आ जाएगी। तो इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करके अपने कोड के अंदर पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे कोट कर देंगे बन, और उसके बाद टैग क्लोज। तो मैंने यहाँ पे अपने इमेज की जो लोकेशन है वो दे दी है। उसके बाद मैं इसको कर लूँगा सेव। सेव करने के बाद हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो इमेज है वो ऐड हो चुकी है। लेकिन अभी इस जो इमेज का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो अब इसका साइज़ हमें चेंज करना है। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे स्टाइल इक्वल टू ड्यूल कोट स्टार्ट करके यहाँ पे विड्थ डालनी है, जो कि हमें चाहिए 400 पिक्सल, और हाइट वो भी हमें चाहिए 400 पिक्सल। ड्यूल कोट को कर देंगे बंद। तो आप यहाँ पे देखोगे जो आपका फोटो है उसका जो साइज है वो कम हो चुका है। अब आपको जितना भी इसका साइज चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे पिक्सल आप बढ़ा सकते हो। जैसे हम इसको 600 कर देते हैं तो फोटो का जो साइज़ है वो इंक्रीज हो गया।